फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके तरफ से पूछे गए तीन लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। यानी आज के इस वीडियो में मैंने तीन लोगों के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जिसका हम आंसर देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि आज मैं कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछने वाले हैं रेहान बादशाह। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि पावर्ड बाई, स्पॉन्सर्ड बाई, इन दोनों वर्ड्स को हम कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें। थोड़ा ट्रिकी है बट अगर आप कोशिश करेंगे तो आप सीख जाएंगे। पावर्ड बाई मीन्स प्रेजेंटेड बाई, यानी पेश किया जाता है। जैसे दिस प्रोग्राम इज पावर्ड बाई पार्ले जी, यह कार्यक्रम पार्ले जी के तरफ से पेश किया जाता है। या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, दिस प्रोग्राम इज प्रेजेंटेड बाई पार्ले जी, यानी यह प्रोग्राम पार्ले जी की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है। आइए फ्रेंड्स देखें, स्पॉन्सर्ड बाई इसे हम हिंदी में प्रायोजित किया जाता है भी कहते हैं। जैसे अगर लिखा हो दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाई पार्ले जी, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ यह कार्यक्रम पार्ले जी के तरफ से प्रायोजित किया जाता है, यानी यह कार्यक्रम पार्ले जी के तरफ से सपोर्टेड बाई है या प्रायोजित किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप पावर्ड बाई और स्पॉन्सर्ड बाई का यूज समझ में आया। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं। दिस प्ले इज स्पॉन्सर्ड बाई पतंजलि, यानी यह नाटक पतंजलि के तरफ से प्रायोजित किया जाता है। दिस प्ले इज पावर्ड बाई पतंजलि, यानी यह नाटक पतंजलि की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपने सीखा पावर्ड बाई पेश किया जाता है, स्पॉन्सर्ड बाई प्रायोजित किया जाता है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स और अगला क्वेश्चन पूछते हैं रूपतन चौधरी। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि एज पर या इन अकॉर्डेंस विद क्या है। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि एज पर इन अकॉर्डेंस विद मीन्स के अनुसार या के सलाह पर। जैसे अगर आपको कहना हो सभी को नियमों के अनुसार काम करना चाहिए या सबको नियमों के अनुसार काम करना चाहिए, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ऑल शुड वर्क एज पर द रूल्स, यानी एज पर के अनुसार या के सलाह पर। अपलोड एनी वीडियो एज पर यूट्यूब टर्म्स एंड कंडीशन, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ यूट्यूब के नियमों को ध्यान में रखकर या यूट्यूब के शर्तों को ध्यान में रखकर कोई भी वीडियो अपलोड करो। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि एज पर का मतलब के अनुसार। आइए फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई ओपन्ड अ बैंक अकाउंट एज पर माई फ्रेंड्स सजेशन, मैं अपनी दोस्त के सलाह के अनुसार एक बैंक अकाउंट खोला, यानी मैं अपने दोस्त के सलाह के अनुसार एक बैंक अकाउंट खोला। माई ब्रदर डज नॉट वर्क एज पर माई रिक्वेस्ट, यानी मेरा भाई मेरी रिक्वेस्ट के अनुसार या मेरी विनती के अनुसार काम नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि एज पर का मतलब के अनुसार। आप एज पर की जगह इन अकॉर्डेंस विद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको एज पर और इन अकॉर्डेंस विद का इस्तेमाल समझ में आया। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछने वाले हैं हाजी शेख। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा अपेरेंटली क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा अपेरेंटली मीन्स जाहिर है या जाहिरी तौर पर। यानी फ्रेंड्स इस वर्ड का यूज हम तब करेंगे जब आपको कहना हो कि ऊपर से देखने में या ऊपर से देखने पर। जैसे अगर मैं कहूँ जाहिरी तौर पर वह परेशान थी, यानी ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा था कि वो परेशान थी, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप अपेरेंटली का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अपेरेंटली दे वर अननोन, यानी इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि जाहिरी तौर पर वे लोग अनजाने थे या जाहिरी तौर पर वे लोग अपरिचित थे या बेगाने थे। Apparently, she likes Chinese dish. जाहिरी तौर पर वह चाइनीज खाना पसंद करती है। Apparently, he was happy. यानी जाहिरी तौर पर वह खुश था, यानी ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा था कि वह खुश था। Apparently, she was upset. यानी जाहिरी तौर पर वह परेशान थी, यानी ऊपर से देखने में ऐसा जाहिर हो रहा था, ऐसा पता चल रहा था कि वह परेशान थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप अपेरेंटली का इस्तेमाल सीखें कि जब आपको कहना हो जाहिर है या जाहिरी तौर पर, तो आप वर्ड अपेरेंटली का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये सभी टॉपिक्स शानदार तरीके से समझ में आए होंगे और आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कल शाम 7 बजे 3 और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।